कभी भी एक दुकान से दूसरी पांचवी दसवीं सौवीं खोलनी हो, कभी भी एक फैक्ट्री से दूसरी पांचवी दसवीं सौवीं खोलनी हो, कभी भी आपको एक्सपैंड करना हो तो चार चीजों का ध्यान रखना है। वो चार चीजें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों संदीप महेश्वरी जी ने एंड विवेक बिंद्रा जी ने खुल करके एक दूसरे को रिप्लाई दिया। दोस्तों संदीप महेश्वरी जी ने अपने YouTube की कम्युनिटी पोस्ट पर लिखा है, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ आप मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी देते हो एंड साथ साथ दूसरी तरफ मेरे घर में अपने एम्प्लॉयज भेजते हो। क्या आपको लगता है कि मैं डर जाऊंगा ऐसी धमकियों से? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ सभी यूट्यूबर्स है, चाहे वो छोटे यूट्यूबर हो चाहे बड़े यूट्यूबर हो, सभी मेरे साथ है और सब खुल करके आपके बड़ा बिजनेस के बारे में बात करेंगे। किस किस की वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट करवाओगे तो हजार वीडियो बनेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, चाहे वो फिर सीएम या पीएम ही क्यों ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए विवेक बिंद्रा जी की रिप्लाई के, तो दोस्तों उन्होंने भी अपनी यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर कुछ ऐसा लिखा है, संदीप भाई मैंने आपकी एक लेटेस्ट वीडियो देखी जिसका टाइटल है बिग स्कैम एक्सपोज्ड, जिसके लिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप मुझे शो में अपने बुलाओ जहां हम लोग ओपनली बात करें इस चीज को लेकर के, क्योंकि ऑडियंस की माइंड में जो भी कंफ्यूजन चल रहा है उसको लेकर के खुलकर ही बात की जाए तो ज्यादा सही रहेगा। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मुझे बुलाओ अपने शो में। दोस्तों ऐसा कुछ कहा है विवेक बिंद्रा जी ने अपने YouTube की कम्युनिटी पोस्ट पर, आप लोग पॉज करके पढ़ लेना, मैंने शॉर्ट में आपको सब कुछ बताया है। फिलहाल अब आप लोग हमें कमेंट कर बताओ कि आप लोग किसके पक्ष में हो, विवेक बिंद्रा जी के या फिर संदीप महेश्वरी जी के। जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट कर दें और साथ साथ दोस्तों ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।